वे टू कश्मीर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, वे टू कश्मीर। आज हम दिल्ली से कश्मीर जा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से दिल्ली से कश्मीर जाया जा सकता है वाया फ्लाइट, बस और ट्रेन। तो गाइस, मैं यहाँ पे आपको वीडियो में हर एक चीज़ बताऊंगा कि आपको वहाँ पे घूमने लायक क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, किस तरीके से वहाँ पे घूमा जाएगा, आपको श्रीनगर में क्या क्या देखने लायक चीज़ें हैं, श्रीनगर में आप क्या चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे कि आप मेरी वीडियो देख के आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप एग्जैक्ट लोकेशन पर जा सको। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं जो है वीडियो में हर एक चीज़ कवर करूँगा। तो गाइज, यहाँ पे हम लैंड कर चुके हैं और इस टाइम पे हम होटल की तरफ जा रहे हैं। चूँकि हमने ऑनलाइन होटल बुक किया था, तो इसलिए हमें जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होटल सर्च करने में। और हमने यहाँ पे जो हमारे जो कैब ड्राइवर हैं, इनको हमने बता दिया था कि हमने जो है होटल के लिए जाना है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, आप अगर एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए जाते हैं, श्रीनगर में आप अगर किसी भी लोकेशन पर जा रहे हैं, तो कैब वाले आपसे 1000 रुपीज़ चार्ज करेंगे। सो गाइज, हम लोग श्रीनगर की मेन मार्केट में आ चुके हैं। सामने आपको जो है क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा, ये श्रीनगर मेन मार्केट का क्लॉक टावर है। और इसी के आगे जाके जो है लाल चौक है, जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पे और न्यूज़ में भी काफ़ी हाईलाइटेड रहता है लाल चौक। और अभी हमने जो है होटल में चेक इन किया था, चेक इन करने के बाद हम डायरेक्ट मार्केट आ गए हैं, क्योंकि हम जो है होटल में हमने अभी लंच नहीं किया है। हमने सोचा कि भाई मार्केट में जाके लंच किया जाए, पहले जो है मार्केट को देखा जाए किस तरीके से मार्केट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए हम इस तरफ से जो है श्रीनगर की तरफ से जाता है, तो हम यहाँ जो दिखा रहा था सामने आप जो है घंटाघर देख सकते हैं। और इसी के आगे जो है लाल चौक है, लाल चौक जिसके बारे में मार्केट बताया था। तो आज तो हम भाई मार्केट ही घूम रहे हैं श्रीनगर की, और हमने भी ज़्यादा कुछ नहीं खा लिया, कुछ चीज़ें लिए क्योंकि बेसिकली क्या है, सारी चीज़ें आगे पीछे ऑलरेडी जैसे दिल्ली का सामान है वैसे ही है, ब्रांड वगैरह भी यहाँ पे सब वही है। यहीं पे ये जो मार्केट है शॉपिंग नहीं की है, और फिलहाल अभी हम वेट कर रहे हैं कैब का, हमारी कैब आने वाली है। इसके बाद हम चलेंगे टल गेट पे, एक आपको जो है ब्रिज मिलेगा, नीचे से जो है रिवर बैरी है, ऊपर ब्रिज है, नीचे डल लेक का पानी है वो, और ऊपर जो है ब्रिज है वहाँ पे। तो गाइज, क्या है कि अगर वैसे तो कुछ खास मार्केट है नहीं मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैं दिल्ली से गया हूँ। अभी मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ये देखिए जो सामने जो मार्केट आपको दिख रही है, आपको सेम एज इट इज़ लग रहा होगा कि आप या तो सरोजिनी नगर की मार्केट आपको लग रही होगी, या आपको ये मार्केट लग रही होगी साउथ एक्स की, क्योंकि जितने भी यहाँ पे आपको दिख रही है चीज़ें, यह सब आपको साउथ एक्स, सरोजिनी नगर, करोल बाग, ये सब आपको ये चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो पहले से अपना प्रिपेयर होकर चलिए, क्योंकि हमने अपने शूज़ वगैरह पूछे थे, इनके फिक्स रेट होते हैं, बार्गेनिंग नहीं करते इस जगह पे। जैसे हमने इनसे पूछा था जो नॉर्मल जो शूज आपको एसएन में या करोल बाग वगैरह में 250-300 का मिलता है, वही आपको यहाँ पे 600 का चिपकाने की कोशिश करेंगे। और कपड़े भी जो है कुछ खास नहीं, देखो 400-500 रुपये में इन्होंने सेम लगा रखी है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमें कपड़े का मटेरियल लगा नहीं, क्योंकि जो 400-500 की सेल लगा के यहाँ पे रखे हुए हैं, वही आपको जो है दिल्ली की मार्केट में आपको 350 के अराउंड मिल जाएंगे की तरफ। बाकी हमने पूरी मार्केट अंदर जाके देखी थी, अंदर भी कुछ खास नहीं है। और हाँ, ये मार्केट जो है आपका श्रीनगर का जो टैक्सी स्टैंड है उसके ठीक साइड में ये मार्केट लगती है। और मार्केट मतलब ये लगा लीजिए कि मार्केट लगी लगाई मार्केट है एक तरीके से, इन्होंने पूरा एक सेटअप बना रखा, ऊपर जैसे इन्होंने चद्दर वद्दर डाली हुई है टीन की, और नीचे इन्होंने मार्केट बना रखी है। अब हमने ये सूट का भी इनसे कॉस्ट पूछी थी, तो इन्होंने सूट की जो कॉस्ट है वो थोड़ा हाई कॉस्ट इन्होंने बताई थी सूट की। बाकी यहाँ पर आप ये बैग वगैरह भी देख सकते हैं, शूज़ हैं, बैग हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है सामान, वो सारा का सारा दिल्ली से ही जा रहा है यहाँ पे। और सारा सामान जो है अगर आप दिल्ली से पहले ही लेके चलो, तो आपको यहाँ पे अननेसेसरी की चीज़ें लेनी नहीं पड़ेंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जाके आप जो है कुछ, अगर आपको कुछ बाय करना है तो कुछ वहाँ की चीज़ को बाय करो, यहाँ की चीज़ को नहीं। कोई वो ऐसी चीज़ आप वहाँ जाके बाय कीजिए जो आपको सिर्फ वहीं पर मिले, जैसे कि वहाँ का जैसे जो फेमस है एप्पल हो गया,
और जो फेमस जैसे वहाँ का जो पहनावा है या तो वहाँ के जो गर्म चीज़ें हैं, गर्म कपड़े हैं, वो लेके आएँ। तो वैसा मुझे इसमें कुछ दिखा नहीं मार्केट में, क्योंकि नॉर्मली ये चीज़ें दिख रही हैं वहाँ पे। इतना कुछ खास मतलब क्लोथ्स से रिलेटेड तो मुझे कुछ खास यहाँ पे दिखा नहीं। बाकी हम जो है अभी आगे देखते हैं, अगर आगे हमें कुछ अगर किसी दुकान में कुछ अच्छा अगर नज़र आता है तो मैं आपको उसके रिलेटेड भी आपको बताता रहूँगा, और मैं आपको शॉप का भी जो है बता दूंगा कि शॉप में आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। तो फ़िलहाल तो ये मार्केट जो है मेरे अकॉर्डिंग मुझे कुछ खास लगी नहीं, इसलिए हम यहाँ से तो निकल चुके हैं। और अभी चलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए हम चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको रोड दिख रही होगी आगे की तरफ जाने के लिए, ये सीधा रोड जो है डल लेक की तरफ जा रही है। अगर आप यहाँ से डल लेक की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको ये सीधा रोड पकड़ लेनी है और सीधा आप जो है डल लेक पहुँच जाएंगे। श्रीनगर की मार्केट है ये, और ये मार्केट भीड़ काफ़ी ज़्यादा है नहीं वैसे मार्केट में, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग हैं और थोड़े बहुत टूरिस्ट वगैरह हैं। टूरिस्ट अभी इतना यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ नहीं है, बट लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ पे टूरिस्ट भी आने लगेगा क्योंकि अब ठंड पड़ने लगी है। तो हम भी अभी डल लेक जा रहे हैं, तो देखते हैं डल लेक का क्या सीन है। और ऑटो भी डल लेक वैसे जाता है, लेकिन हमने एक अंकल से पूछा तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आपने जाना तो वैसे होटल ही है, तो डल लेक में जा ऑटो करके करोगे क्या, इन्जॉय करने आए हो तो पैदल पैदल निकल जाओ, दोनों पैदल पैदल अपना इन्जॉयमेंट करो। तो इसलिए भाई मैं भी पैदल पैदल निकल रहा हूँ। तो ये है आपकी श्रीनगर की डल लेक, आप देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पे जो है इवनिंग के टाइम पे, यहाँ पे एक अलग ही मज़ा होता है। इवनिंग के टाइम पे आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग तरीके की यहाँ पे शिकार आपको नज़र आएंगी, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी हाउस बोट में मिलेंगी। और ये हम यहाँ पे घाट पे आ चुके हैं। आपको यहाँ पे आने के लिए अगर आप ऑटो करते हैं तो ऑटो वालों को आपको बोलना है कि हमें जो है घाट पे जाना है, तो आपसे पूछेंगे कि घाट पे कौन से नंबर पे जाना है, तो आप बता देना 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर या 13 नंबर। तो आप ये घाट पे जा सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है बोट की राइड वगैरह मिल जाएगी और सामने की तरफ आप हाउस बोट देख सकते हैं। लो सामान पकड़ो। इधर से बैठ, सिर नीचे करके आगे से आऊं। शॉपिंग कहाँ की? शॉपिंग शॉपिंग भाई हमने मार्केट में कर ली, लाल चौक। यहाँ पर मार्केट है, देखो आप मार्केट में देखो। अब यार मार्केट भी तो फिर ऐसी महंगी होगी यार। तो भाई अभी हम ले रहे हैं शिकारा बोर्ड के मज़े ले रहे हैं, और हम यहाँ पे डल लेक में पहुँच चुके हैं। इवनिंग का टाइम है, करीबन 6 बज रहे हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे इस टाइम पे मौसम बड़ा मस्त हुआ पड़ा है, क्योंकि एक तो विंटर स्टार्ट होने वाली है और दूसरा यहाँ पे क्राउड अभी इतना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी जब विंटर स्टार्ट होता है स्नो होती है उसके बाद यहाँ पे जो है क्राउड आना स्टार्ट हो जाता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके की यहाँ पे शिकारा राइड्स हैं, और ये अभी हमें बोल रहे हैं फ़ोटो खींचने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मीना बाज़ार वगैरह ये सब यहाँ पे इन्होंने अपनी शिकारा में लगाई हुई है। थैंक यू भैया, फ़िलहाल नहीं चाहिए, थैंक यू थैंक यू। तो आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से बोट पे शॉप टाइप में बनाई हुई है, आप अलग अलग देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके की यहाँ पे बोट हैं। ये देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो है लोग ये राइड का अपना मज़ा ले रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं मोटर बोट भी है, आप चाहे तो मोटर बोट का भी मज़ा ले सकते हैं, लेकिन इवनिंग का जो टाइम है इवनिंग के टाइम पे भी आप शिकारा का आप मज़ा ले सकते हैं। इवनिंग के टाइम पे ही यहाँ पे शिकारा का मेन मज़ा जो है वो इवनिंग के टाइम पे ही है। आप देख सकते हैं सामने जो पहाड़ हैं, ये देख सकते हैं आप सामने। Bir imkan hibe mazmak ya. Kredi alsam bu. Bir imkan. Rekat, rekat.
और ये सामने आप देख सकते हैं, ये सामने जो है जितने भी आपको दिख रही हैं सबके सभी हाउस बोटें हैं। वैसे तो फिलहाल तो लोगों ने रेकमेंड हमें काफ़ी बार किया था हाउस बोट में रुकने के लिए, बट लेकिन क्या है कि हमें मेनली हाउस बोट में रुकना नहीं था, हमें तो खाली सिर्फ होटल में ही रुकना था और हमें लोकल साइट सीन करना था, तो इसलिए हमने हाउस बोट नहीं लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके की हाउस बोटें हैं, ये सामने आप देख सकते हैं। ये सामने अलग अलग तरीके के हाउस बोट हैं, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए मैम, भैया आपका नाम क्या है? मोहसिद। ये मोहसिद भाई हमारे साथ है और मोहसिद भाई जो है फिलहाल हमें यहाँ पे शिकारा राइड करवा रहे हैं। तो मोहसिद भाई का नेचर काफ़ी अच्छा है, हमें जगह जगह में पॉइंट बता रहे हैं, जगह जगह में यहाँ पे जो शॉपिंग के जो शिकारा जो आ रही है उनके बारे में भी हमें बता रहे हैं। अभी मोहसिद भाई ने पीछे हमें जो है नेहरू पार्क के बारे में बताया। हाउस बोट कितनी होंगी आपके हिसाब से यहाँ पे? यहाँ पर जी तकरीबन अंदाज़ा 5-10 हज़ार। मोहसिन भाई का कहना है कि यहाँ पे 5-10 हज़ार यहाँ पे हाउस बोटें आपको मिल जाएंगी। तो मोहसिन भाई अगर यहाँ पे टूरिस्ट सीजन में आते तो टूरिस्ट सीजन में यहाँ पे हाउस बोट मिल जाएंगी ऑन द स्पॉट या ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है? यहाँ पर रश नहीं होगा फिर मिलेगी। अच्छा अच्छा, अगर ऐसा रश है तो मुमकिन है, अगर ज़्यादा रश होगा तो मुमकिन नहीं है। अच्छा तो मोहसिन भाई तकरीबन यहाँ पे हाउस बोट कितने से स्टार्ट होंगी आपके हिसाब से? देखने के हिसाब से। अच्छा मिनिमम कितना होगा यहाँ पे? यहाँ पर 16,000 भी, 3,000 भी, 8,000 भी, 15,000 लास्ट हाउस बोट 15,000। अच्छा, मतलब जिस तरीके की हाउस बोट है उस तरीके के रेट है? हाँ? जिस तरीके की हाउस बोट है उस तरीके के रेट है। अच्छा अच्छा, तो मोहसिन भाई का कहना है कि जिस तरीके से आप हाउस बोट लेते हैं उस तरीके के रेट है। कौन सा मार्केट? मीना बाजार। अब हाउस बोट की अब यहाँ पे मोहसिन भाई बता रहे हैं कि अब आएगा मीना बाजार। तो अभी ये मोहसिन भाई का कहना है कि अब आगे जो है मीना बाजार आ रहा है, मीना बाजार में आप लोग शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मैगी वगैरह भी खाने को मिल जाएगी और यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पे वैदीलाल देख सकते हैं, वैदीलाल आइसक्रीम वगैरह भी यहाँ पे है और काफ़ी छोटी छोटी यहाँ पे शॉप वगैरह बनाई गई हैं। मार्केट देखना एकदम फ्री, देखो मोहसिन भाई कह रहे हैं मार्केट देखना एकदम फ्री, मार्केट देखने है कोई टैक्स नहीं है, कोई पैसा नहीं है भाई लोग, तो आओ और यहाँ पे मार्केट फ्री में देखो। ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया और सुंदर सुंदर मार्केट है, ये है जन्नत, इसे कहते हैं जन्नत, ये कश्मीर का जन्नत है। तो आप लोग अगर आएँ तो पहले तो सबसे पहले मोहसिन भाई से ज़रूर मिले, मोहसिन भाई आपको मिलेंगे गेट नंबर, कौन से गेट नंबर पर मिलोगे मोहसिन भाई? 14 पे मोहसिन भाई मिलेंगे आपको गेट नंबर 14 पे। आप कभी भी आओ, नाम ले लो, मोहसिन भाई बहुत फेमस यहाँ पे हैं और आपको अच्छे से अच्छा रेट दे देंगे, आप इनके शिकारे पे आराम से राइड कर सकते हैं। दूसरा जगह जगह पे ऑन द स्पॉट। अच्छा अच्छा, ये रेस्टोरेंट है, ये देखो जी, ये देखो, ये फेमस है यहाँ का। अच्छा मुश्ताक कावा। अच्छा मुश्ताक कावा यहाँ का फेमस कावा, नंबर वन पे आता है कावा वाला। अच्छा जी, 16 वैरायटीज मिक्स, आलमंड, वॉलनट, केशवनट, हनी, सैफ्रॉन, कर्डमम, सिनेमन, जिंजर, चाय पत्ती, संग्राम, काजाबान, सपिस्तान, मुलठी, रोज लीव्स, मगज, डेट, सैंड, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आल्सो मिक्स। ओके, आल्सो मिक्स जी, फेमस कावा यहाँ का। अच्छा चलो जी, कोई नहीं। उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है उस मार्केट में? वो सब्जी मार्केट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सब्जी देखा है कुछ यहाँ पर? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, देखो सब्जी। अच्छा ये देख सकते हैं आप, ये जो ऑर्गेनिक वगैरह आप देख रहे हैं, लद्दाख हैंडलूम हाउस देख रहे हैं,
तो मेरा कहने का मतलब है कि इवनिंग का जो नज़ारा है, इवनिंग का नज़ारा यहाँ पे कुछ अलग ही आपको दिखेगा। आपको एक तो लाइटनिंग दिखेगी, प्लस इवनिंग में जो यहाँ पे जो नज़ारा जो होता है काफ़ी ब्यूटीफुल आपको नज़ारा दिखेगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इवनिंग का नज़ारा जो है काफ़ी देखने लायक है। तो ये देखो भाई लोग, ये है लोटस लेक, कमल की ककड़ी, इसको कश्मीर में बोलते हैं नदरू, और इसे कश्मीरी में बोलते हैं नदरू। ये है हाउस बोट, वाह कितनी सुंदर लग रही है। इवनिंग के टाइम पे आप देखो क्या लाइटनिंग हो रखी है यहाँ पे इन हाउस बोटों में, वाह। अच्छा भैया, जैसे हाउस बोट है तो हाउस बोट से मान लो किसी को रोड की तरफ जाना है तो वो शिकारा में ही जाता होगा बंदा? शिकारा में ही जाता है। अच्छा, तो ये शिकारा भी हाउस बोट वालों की होती है? हाउस बोट वाले ही देते शिकारा भी? नहीं हाँ, ये भी हाउस बोट वाले। अच्छा अच्छा, शिकारा वाला जो जाहिद है इसका नाम। अच्छा, नेशनल मेडलिस्ट है। अच्छा अच्छा, ये बंदा नेशनल मेडलिस्ट है। हाय कैसे हो? नेशनल मेडलिस्ट है। ये देखो ये भाई है नेशनल मेडलिस्ट। ये देखो क्या इसमें हाउस बोट में, वाह क्या मजा है। तो आज का जो हमारा व्लॉग था वो आज का हमारा व्लॉग था श्रीनगर को एक्सप्लोर करना। तो जिस तरीके से मैंने आपको श्रीनगर की मार्केट दिखाई और इस टाइम पे मैं आपको ये डल लेक दिखा रहा हूँ, किस तरीके से यहाँ पे जो है शिकारा है और यहाँ पे हाउस बोट वगैरह हैं, तो मेरा बेसिकली जो मेरा जो यहाँ पे मोटो है वो आपको यहाँ पे राइड का दिखाने का है और यहाँ पे ये एक्सप्लोर करना है कि यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे जो आप यहाँ पे एक फील करोगे, इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे फीलिंग अलग ही है, अलग ही लेवल की है। दिन के टाइम पे क्या है, धूप है और थोड़ा गर्मी है तो उस टाइम पे इतना एंजॉयमेंट नहीं हो पाता है, बट लेकिन इवनिंग के टाइम पे आप यहाँ पे जो है एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस क्या है कि हमें अपनी शिकारा राइड यहीं पे एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो है अभी स्कूटी रेंट पे लेने के लिए जाना है और हमने उनको जो है कॉल किया था तो उन्होंने बोला कि आप इवनिंग में 7 PM तक आप कभी भी आ जाओ, आपको बाइक मिल जाएगी। और ऑलरेडी अभी जो है 6 बज चुके हैं, तो इससे पहले वो अपनी शॉप बंद कर दें तो हम निकलते हैं स्कूटी रेंट पर लेने के लिए। गाइज़ तो हमने अभी स्कूटी यहाँ पे रेंट पे ली है, मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, वीडियो देख के मैं भैया की यहाँ पे शॉप पे आया हूँ और भैया का जो लायन टूर एंड ट्रेवल के नाम से यहाँ पे भैया स्कूटी रेंट पे देते हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? जुनेद। तो हम जुनेद भैया से बात कर रहे हैं। भैया आप कुछ बताएंगे स्कूटी के बारे में, आप किस तरीके से रेंट पे देते हैं, क्या प्रोसीजर होता है? हमारा बेसिकली डेली बेसिस पे होता है जी। अगर स्कूटी हमारे पास जितने भी स्कूटीज है ना अभी स्टॉक में आते हैं 2022 मॉडल जी, एंड इसका जो रेंटल होता है नियर अबाउट 800 rupees पर डे जी, एंड प्लस सिक्योरिटी का होता है 3000 rupees। ठीक है। और जैसे आप बाइक लेते हैं या स्कूटी लेते हैं आपको प्रॉपरली एक वीडियो बनाना होता है जी। अगर इनकेस कहीं पे कोई डेंट स्क्रैच होगा वो मार्क करके रखना है। ठीक है। सिंपली उसी कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। तो भैया ने जिस तरीके से बताया मैंने भी ऑलरेडी वीडियो बना ली है और भैया ने ऑलरेडी रेट बता दिया, सिक्योरिटी अमाउंट भी बता दी है। और जैसे कि भैया के पास बाइक भी है स्कूटी भी है तो हर बाइक और हर स्कूटी का डिफरेंट चार्जेस है, राइट भैया? हाँ, परफेक्ट। तो अगर आप भी यहाँ पे आते हैं तो भैया से जरूर कांटेक्ट कीजिए। भैया एक बार अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए। यू कैन कॉल ऑन 9906432384। तो आपने अगर नहीं सुना है तो अगर आप गूगल से भी सर्च करेंगे लाइन क्लब बाइक रेंटल या कश्मीर लाइन क्लब बाइक रेंटल, इवन इफ यू विल चेक इट आउट ऑन गूगल वी आर ऑन नंबर फर्स्ट करिए लाइन क्लब के नाम से। रेटिंग आपको रेटिंग देख के आपको पता चल जाएगा किस तरीके से भैया यहाँ पे जो है अपना शॉप वगैरह रन करते हैं। और आप मानोगे नहीं, भैया ने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया हमारा, ना तो अपना ज़्यादा टाइम खराब किया ना हमारा ज़्यादा टाइम खराब किया, मुश्किल से हार्डली 5 मिनट। और स्कूटी देने से पहले भैया ने टेस्ट ड्राइव भी कराई है स्कूटी, वेल एंड गुड कंडीशन में। तो चलिए फिर मैं अगली वीडियो अपनी मॉर्निंग में स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मॉर्निंग में हमें निकलना है पहलगाम के लिए। तो थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।